चेहरे पर बालों का आना, मोटापा आना, अचानक से महीने का आगे पीछे हो जाना, महीना रुक रहा है, कभी गैप आ रहा है, 2 महीने, 3 महीने, दवाई खा रहे हैं, पीरियड्स आ रहे, नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक से अच्छी चलती लाइफ में क्या हो गया। मतलब अच्छी वाली लाइफ चल रही थी बट अचानक से ऐसा क्या हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चल रही है। अगर आप लोग इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, एक प्यारा सा कमेंट लाइक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार मेरे लिए भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम अगर एक अच्छा कंटेंट, अच्छी रेमेडीज, अच्छा नॉलेजेबल थिंग्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको शेयर करो, सो दैट जो हमारा एक मोटिव है कि बहुत सारे लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना, तो आप लोग वहां पे पहुंच पाओ। आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो मे बी पीसीओडी के पेशेंट के लिए लाइफ टर्निंग वीडियो हो सकती है। यू नेवर नो कि कौन सी ऐसी चीज क्लिक कर जाए जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे। आप ऐसे से बिल्कुल ऐसे हो जाओ, चेहरे पे बालों से बिल्कुल प्लेन हो जाए, ब्रेस्ट इतनी से बिल्कुल ऐसे हो जाए, हिप्स इतने ज्यादा हैं ऐसे हो जाए, यू नेवर नो। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, जिसमें मैं पीसीओडी के कॉज को लेके, कैसे साइन एंड सिम्टम्स को लेके और अपने लाइफस्टाइल में चेंज कैसे करते हैं उसको लेके बात करूंगी। जिन भी महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है पीसीओडी की वजह से, वो महिलाएं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बाकी लोग भी सारे देखें, लेकिन उनके लिए एक बहुत स्पेशल चीज आने वाली है। और बाकी महिलाओं के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी आज मैं बात करूंगी मून थ्योरी को लेके। हमारे आयुर्वेदा में जिस तरह से सूर्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है, वैसे ही चंद्र चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है कि चांद की किरणों में कितनी ताकत होती है कि हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जैसे बोलते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, पित्त का बढ़ना, गुस्सा आना, मूड स्विंग्स होना, उन चीजों में क्या होता है, चंद्रमा यानी कि मून थ्योरी बहुत ही अमेजिंग वर्क करती है। तो मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है आज, तो थोड़ा सा अपनी सीट की पेटी को बांध लेना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपनी जिंदगी में पीसीओडी को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हो। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कारण पे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं लाइफस्टाइल की वजह से उनमें ये इश्यू होता है कि हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर में एंड्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। ये भी एक हार्मोन है, जिस तरह से गाड़ी को चलने को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर के हर हिस्से को चलने के लिए हार्मोन्स चाहिए। हार्मोन जो है जब अपनी मात्रा में बिल्कुल सम अवस्था यानी कि सही से चलते हैं ना, तो गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है यानी हमारी लाइफ सही चल रही है, लेकिन अचानक से उसमें एक स्पीड ब्रेकर आता है और वो क्या करता है, उछालता है। हार्मोन उछला और डाउन हुआ, लेकिन वो उछाल ने सारी हमारी लाइफ को तहस नहस कर दिया, यानी कि हमारे मेंसुरेशन साइकिल को हिला दिया। अब क्या हो रहा है, जो साइकिल 28 दिन में, 30 दिन में, 4-5 दिन के लिए आता था, अब वो साइकिल इतना डिस्टर्ब हो गया कि 2 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, 4 महीने बाद आ रहा है। कुछ पेशेंट मेरे पास विजिट करते हैं, उनको 3-3 साल के बाद भी आया है, लेकिन हमारी मेडिसिन से 1 महीने में चेंज बताने से उनको पीरियड स्टार्ट हो गए। तो मतलब आयुर्वेदा इस लेवल पे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आज नाश्ते को लेके, धीरे धीरे करके सारे दिन की डाइट बताऊंगी और मून थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले करते हैं नाश्ते के, हमें चलना है सात्विक आहार पे। अगर आप 6 महीने भी मेरे बताए गए रूटीन को फॉलो कर लेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको पीसीओडी की दिक्कत है, और ये मैं आपको चैलेंज दे सकती हूँ। जिन भी महिलाओं का वेट 80, 85, 100 किलो तक भी पहुंच गया है, आप लोग 60, 65 तक 6 महीने में इजिली आ जाएंगे, लेकिन आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। फिर से कह रही हूँ कि ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबी है हम नहीं देखेंगे, ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि आज की वीडियो पीसीओडी वालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। आज के टाइम में अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 10 में से 6 लड़कियां ऐसी हैं जो पीसीओडी का शिकार हैं। किसी को पहले पता चलता है, किसी को बाद में पता चलता है, लेकिन यस, ये प्रॉब्लम है उन्हें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नाश्ते की। मैं टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ रात का मेंशन करूँ। नाश्ता आप जब करते हैं, आपको जो है सिंपल सबसे पहले स्टार्ट करना है एश गर्ड जूस से। मैंने पहले भी आपको बताया था, यानी कि जो सफेद पेठा होता है जिसके हम पेठे की मिठाई खाते हैं,
एशगर्ड जो है उसे आयुर्वेदा में रामवान बताया गया है, ठीक है। गर्ड फैमिली से ये होता है, जिससे ये लौकी, खीरा, ये सब कद्दू, ये जिस फैमिली से हैं उसी फैमिली का ये एक फ्रूट है एश गर्ड, ठीक है। सफेद पेठा, इसको क्या करना है, इसका ताजा जूस निकालना है और सिर्फ आधा गिलास, इतना आपको डेली सुबह खाली पेट पीना है। और इसको पीने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप इस जूस को पियेंगे आपको गटकना नहीं है, सिप सिप करके उस जूस को खत्म करना है। मोटापे को कम करेगा, फैट को गलाएगा, सिस को डिसॉल्व करेगा, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा, गट को क्लीन करेगा, इंटेस्टाइन को क्लीन करेगा, बॉडी की जितनी भी गंदगी है उसको निकालेगा, वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा। आधा गिलास जूस जो आपके शरीर की गंदगी को ही निकाल देगा, तो आप सोचिए कि आधी बीमारियां तो यार वहीं पे खत्म हो गई, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद सुबह नाश्ते में आपको लेनी है कोई भी हरी सब्जी, और हरी सब्जी के साथ लेनी है सात्विक रोटी। आपने अरुणींद्र 7 वीलॉग चैनल पे कुछ टाइम पहले देखा होगा कि मैंने वीट रूट की रोटी देना स्टार्ट किया था, हमने खाना स्टार्ट किया था, 1 वीक तक हमने उस डाइट को लिया, जस्ट टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। आपको क्या करना है कि आप मल्टीग्रेन आटा लेंगे और उसके में गेहूं नहीं डालेंगे। उस आटे को आपको गूंदना किसमें है, बीट रूट के जूस में, यानी चुकंदर के। थोड़ी सी चुकंदर ले, 3-4 उसको जूस निकाले, उसमें हल्का सा पानी ऐड करें और उसमें आटे को आपको गूंदना है। और सुबह आपको सब्जी के साथ 1 रोटी वो लेनी है। ये आपकी बॉडी को क्लीन करना स्टार्ट करेगा, जिन महिलाओं में खून की कमी है खून को बनाने में मदद करेगा, और हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके। बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है पीसीओडी है, बट उन्हें महीना जो है उसमें फ्लो इतना ज्यादा नहीं होता है, रक्त अल्पता के साथ, यानी कि रक्त की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, तो वो लेडीज जो है इसको लेना स्टार्ट करेंगी तो वो बॉडी को स्टेबल कर देगा। अब बात करते हैं 10, 10:30 बजे, ठीक है। टाइमिंग में मेंशन आपको जस्ट एक टेंटेटिव उसमें कर रही हूँ कि हाँ, इससे पहले नाश्ता कर लेना। आपको लेना है एक फ्रूट बाउल, जो भी आपको पसंद है आप वो लीजिए, जो भी XYZ। दोपहर को लंच में आपको फिर से लेनी है सात्विक रोटी, ठीक है। रोटी के साथ आपको लेनी है सब्जी, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 बजे के करीब लेना है 1 गिलास जूस, लेकिन वो किसका लेना है, वो आपको लेना है वेजिटेबल जूस। खीरा हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, पालक, लौकी, करेला, मतलब जो आपको मन हो, जो मिल जाए सबको मिक्स करो, उसका जूस बनाओ और आप पी लो सात्विक। डिनर में आपको फिर से लेनी है सात्विक रोटी और उसके साथ सब्जी, लेकिन आप जितना भी कोशिश करें डिनर में नमक की मात्रा कम लें। नमक की मात्रा जब आप कम लेना शुरू करेंगे ना सोडियम बॉडी में, तो आपका वेट बहुत फास्ट जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे, फैट की बर्निंग प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बहुत से लोगों ने जैसे कीटो डाइट का सुना होगा ना, वो लोग जो है उसमें चेंजेस करते हैं सॉल्ट इनटेक में भी, तो अगर आप यहाँ पे कम करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको इतनी जल्दी चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सात्विक रोटी को 10 दिन आपको सात्विक आहार फॉलो करना है, 1 हफ्ता आपको नॉर्मल लेनी है, सब्जी और जूस सब कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 10 दिन आप सात्विक रोटी लेंगे, यानी कि बीट रूट के उसमें आटा गूंदेंगे, और 1 हफ्ता जो है सिंपल पानी में आटा गूंदेंगे, फिर 10 दिन, फिर 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 हफ्ता, सो दैट जितनी बॉडी क्लीन हो रही है फिर स्टेबल हो, क्लीन हो, स्टेबल हो, कॉन्स्टेंट चीजें रहें। मैंने आपको बताया ना कि सात्विकता हमारे शरीर में इतना बदलाव करती है, सात्विकता यानी बिल्कुल सिंपल आहार का सेवन करना, ये लेना स्टार्ट करेंगे। इसमें फिर आपने एवरी थर्ड डे, एक दिन ऐसा रखना है एवरी थर्ड डे जिस दिन आप खिचड़ी का सेवन करेंगे, खिचड़ी हो गया, सूप हो गया, और उस दिन आप डिनर स्किप करके डिनर में सूप लेंगे। सूप में भी आप कद्दू का सूप ले लीजिए, घिया का ले लीजिए, कद्दू और टमाटर का ले लीजिए, जस्ट थोड़ा सा कद्दू लिया, पंपकिन, टमाटर लिए, उसको बॉइल किया, अच्छे से सीटी लगवाई, ग्राइंड किया, सूप बनाया, उसमें हल्की सी काली मिर्च, अ लिटिल बिट सॉल्ट ऐड किया और आप उसको पी लीजिए। ये क्या करेगा, बॉडी को इतना स्टेबल करना शुरू कर देगा। और जब आप, मैं इतना कहती हूँ कि 15 दिन पहले फॉलो करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट ना मिले ना आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मतलब मैं चैलेंज करती हूँ। और अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो आप इस वीडियो को कम से कम 100 लोगों को शेयर करना, जो भी आपके लिंक में है और जिनको ये इश्यू है कि ये इतना बेनिफिशियल है। आप सोचिए कि कोई भी यहां बैठ के इतना चैलेंज आपको कर रहा है, तो वाकई में उसमें कुछ तो ऐसा होगा।
अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ये था आपका पूरा रूटीन। अब क्या है, जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो विंटर सीजन आने वाला है और सर्दियां ना हमारे फैट को बर्न करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। तो क्या करना है, जो पानी है उसको आप गर्म पानी पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि ठंडे पानी की तलब तो रहेगी नहीं। तो गुनगुना पानी पीना शुरू करिए। जब आप गुनगुना पानी पीना शुरू करेंगे ना तो बाथरूम ज्यादा आएगा, यूरिन की फ्रिक्वेंसी, क्योंकि फैट बर्न होकर धीरे धीरे बाहर निकलेगा, शरीर डिटॉक्सिफाई होगा, स्किन पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया सात्विक फूड हो गया। अब मैं बात करती हूँ मून थ्योरी की। पता क्या होता था पुराने टाइम में ना, जब बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे ना तो वो सुबह सूर्य की किरणों में बाहर बैठते थे, ठीक है, तो कभी विटामिन डी पता ही नहीं चला कि उसकी डेफिशिएंसी होती है। आज के लोगों में इतनी ज्यादा कॉमन हो गई क्योंकि वो चीजें है ही नहीं। तो पीसीओडी के पेशेंट को क्या करते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट पे हम लोग उनको रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह उठते ही जब सूर्य उदय होता है, सूर्य की किरणों में 10 से 15 मिनट बैठिए। सिंपल आप ध्यान लगा के बैठ जाइए, ठीक है, चिन्ह मुद्रा में बैठ जाइए, तो वो आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। और मून थ्योरी, और रात को सोने से पहले चंद्रमा की किरणों में आप चंद्रमा के नीचे 15 मिनट बैठिए। जितनी भी महिलाएं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, उनमें इतनी अमेजिंग वर्क करेंगे वो किरणें, आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी यानी कि एक वो पॉजिटिव ऊर्जा को पैदा करेंगी, आपकी बॉडी को हेल्प करेंगी, AMH के लेवल पे वर्क करेंगी, हार्मोन्स को स्टेबल करेंगी, आपके यूट्रस यानी कि बच्चादानी में वो वातावरण प्रोवाइड करेंगी, सो दैट कि आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाए। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, पीसीओडी नहीं भी है, वो भी इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको इसे ऐसे ही फॉलो करना है। जब आप स्टार्ट करें प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके रिव्यूज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने रिव्यूज शेयर करते हैं, मैं स्क्रीनशॉट अटैच करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन जो लोग शेयर नहीं करते उन्हें बेनिफिट है। प्लीज आप लोग भी शेयर करिए, क्योंकि आप लोग बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो चीजें किस लेवल तक बेनिफिट दे रही है। हर पेशेंट की बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। ये रूटीन चेंज करके इसके साथ आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और 3 से 6 महीने में आप अपनी पीसीओडी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। मैं इतना आपको चैलेंज कर सकती हूँ। तो इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करना है और रिजल्ट मुझसे शेयर करना है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहिए। उपासना की दुनिया को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।